की बस्ती में ये पैगाम है मोहब्बत तुमने हर सो आम करना है, हमें उम्मत की वहदत के लिए इकदाम करना है, हमें गर दीन पे गालिब फकद इस्लाम करना है। लब्बै 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 के या रसूल अल्लाह, लब्बै लब्बै के या रसूल अल्लाह। नबी के नाम ही से बिल यकीन गए वहदत उम्मत, नबी के नाम ही से बिल यकीन गए वहदत उम्मत। उन्हीं के इश्क से भरपूर हर एक जाम करना गए, हर एक जाम करना गए। अल्लाह के फजल से इस वक्त हम सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मौजूद हैं और स्टेज पर इस वक्त ये उलमा व मशायख और कारकुनान जलवागर हैं। जिस तरह के आपको दिखाया जा रहा है कि भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं और इंशाअल्लाह कल वलवलों और जज्बों के कारवां यहां आके रुकेंगे और एक तारीख साज वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, जिसमें वहदत उम्मत के लिहाज से एक तारीखी मकाला एलामिया और फार्मूला पेश किया जाएगा। ये आवाज़ जहाँ तक सुनी जा रही है, तमाम हजरात कल रोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज इशा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बाद अज़ नमाज मगरब ज़रूर आप तशरीफ़ फरमा हूँ। और कुछ काफ़िले अल्लाह के फजल से पहुँच चुके हैं, ये बलोचिस्तान से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला का काफ़िला, जो नुमाइंदा काफ़िला है बलोचिस्तान का, पीर सैयद बहादुर शाह साहब जिलानी की क़्यादत में, जो हमारे सूबाई सदर हैं, ये पहुँच चुका है। दीगर भी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हबीबी साहब, मौलाना फिदा हुसैन जलाली साहब, मौलाना निज़ामुद्दीन बलोच साहब, कसीर तादाद में उलमा व मशायख इसमें रौनक फरोज हैं। सिंध से भी काफ़ी हजरात मरकज़ में पहुंच चुके हैं। ऐसे ही कराची से जो ट्रेन चलाई गई है वो भी अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। दूर दराज इलाकों से काफ़िले अल्लाह के फजल से चल पड़े हैं। इंशाअल्लाह कल इस जगह कुरान सुन्नत की बरसात में अहले सुन्नत व जमात के नज़रियात में तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और वहदत उम्मत के लिहाज से एक जामे पैगाम दिया जाएगा। सारे हजरात इसमें काफिला दर काफिला शरीक हों और किसी भी प्रोपेगंडे पे और किसी अफवाह पे भी कोई कान ना धरें। अल्लाह के फजल से भरपूर तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं और तकमील की जा रही है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वा आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।